गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट आइटेशन परफॉर्म करेंगे कॉपर सल्फेट वर्सेस हाइपो सोल्यूशन। तो सबसे पहले जो है हाइपो सोल्यूशन है मेरे पास N/20 नॉर्मल का, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है जिसकी मुझे नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। इसके लिए हमें चाहिए 10% की आई सोल्यूशन चाहिए, Na2CO3 एज अ माइल्ड बेस यूज होगा, स्टार सोल्यूशन एज अ इंडिकेटर और डाइल्यूट एसिटिक एसिड। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ब्यूरेट में जो है हाइपो सोल्यूशन को फिल कर लूँगी। सोल्यूशन जो है वो मैंने ब्यूरेट में फिल कर लिया है। अब सबसे पहले जो है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेके 10 ml जो है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को डाल करूंगी। ये 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। अब हम इसमें जो है पिंच ऐड करेंगे सोडियम कार्बोनेट की, जिससे क्या होगा इसमें टर्बिडिटी जो है वो परसिस्ट होगी। ये मेरे पास सोडियम कार्बोनेट है, एक पिंच जो है हम इसके ऐड करेंगे। इससे जो है ऐड करने से सॉल्यूशन में जो है टर्बिडिटी आ जाएगी। अब जो है हम इसमें डाइल्यूट एसिटिक एसिड डाल देंगे 2-3 ड्रॉप्स, जिससे जो है सॉल्यूशन दोबारा से जो है क्लियर हो जाए। ये देखो सॉल्यूशन जो है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब हम जो है इसमें हाफ टेस्ट ट्यूब ऐड करेंगे KIK पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। ओके, हाफ टेस्ट ट्यूब में KI सॉल्यूशन ले लूंगी। ऐड करेंगे इसको, अच्छे से शेक करेंगे। अब हम जो है इसमें 50 ml डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे। ये देखो येलो कलर आ गया पोटेशियम आयोडाइड डालने से। ये मेरे पास डिस्टिल वाटर है, 50 ml में इसमें ऐड कर दूंगी। अब इसको जो है हाइपो सॉल्यूशन के अगेंस्ट टाइट्रेट करना स्टार्ट करेंगे। अभी जो कलर है वो येलो थोड़ा सा डार्क कलर है, पहले इसको हम पेन येलो में चेंज करेंगे, उसके बाद जो है इसमें हम इंडिकेटर ऐड करेंगे। ओके, हाइपो से तरीके से हल्का सा ड्रॉप बाय ड्रॉप ही डालना है, एकदम से ज़्यादा एडिशन नहीं करनी हाइपो की। रीडिंग जो है वो 0 पे सेट की है, इनिशियल रीडिंग जो है वो मेरी 0 है। अब ये लाइट कलर में चेंज हो जाएगा, फिर हम इसमें स्टार्च डालेंगे। स्टार्च डालने से जो है वो ब्लू कलर आएगा, जब वो ब्लू कलर वाइट कलर में चेंज होगा कलरलेस, तब हम जो है टाइट्रेशन हमारी कंप्लीट होगी। शेकिंग अच्छे से करनी है, जिस टाइम टाइट्रेशन कर रहे हैं शेकिंग प्रॉपर होगी, तभी जो है आप एग्जैक्ट पॉइंट जो है वो नोट कर पाओगे। कलर इसका लाइट में चेंज हो गया, जैसे ही कलर लाइट में चेंज हो जाएगा हम इसमें जो है वो स्टार्च ऐड कर देंगे। स्टार्च जस्ट 1 एंड
से अच्छे से शेक करूंगी उस कांच डाल के। ये देखो ब्लू कलर आ गया। अब हम इसको दोबारा से टाइट्रेट करना स्टार्ट करेंगे। ये ब्लू कलर है, ये वाइट में चेंज होना चाहिए। बस टाइट्रेशन करते हुए जो मेन पॉइंट रिमेंबर रखना है आपको वो यही कि जो शेकिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। कलर आने लगा है मैं थोड़ा सा इसको और ड्रॉप बाय ड्रॉप करूँगी। अभी प्योर वाइट नहीं आया बट लाइट कलर होना स्टार्ट हो गया। ब्लू कलर जो है वो थोड़ा थोड़ा डिसअपीयर होना स्टार्ट हो चुका है। हमें बिल्कुल अच्छे से शेक करके देख रहे हैं, जब तक क्लियर वाइट नहीं आता तब तक एडिशन करनी है। ये देखो अभी भी इसमें ब्लू की शेड मुझे नज़र आ रही है ना, सी अभी इसमें मीन्स और एडिशन होगी। बट जो अब एडिशन करेंगे वो वन वन ड्रॉप करके एडिशन करेंगे क्योंकि अब कभी भी इक्विनेक्स पॉइंट जो है वो आ सकता है। ये देखो अब इसे एक बार और अच्छे से शेक करके देखती हूँ कि वाइट कलर आई गया है या फिर ये फिर से डिसअपीयर हो जाता है। अभी एक दो और चाहिए, अभी वाइट नहीं है, प्योर वाइट। सी अब देखो कलर बिल्कुल प्योर वाइट कलर में चेंज हो चुका, मीन्स ये जो है आपकी टाइट्रेशन का इक्विवेलेंस पॉइंट है। इसको अच्छे से शेक करके देखोगे कलर यही रहेगा, कलर चेंज नहीं होगा। मतलब कि आपकी जो टाइट्रेशन है ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है। हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसकी रीडिंग नोट करनी है कितनी रीडिंग आई है। जीरो से हमने स्टार्टिंग की थी और ये जो रीडिंग आ रही है अभी 7, 8, 9, 8.2 8.1 एंड 8.2। ये जो 8.2 रीडिंग आई है इस रीडिंग को जो है हम नोट कर लेंगे। ओके सेम इसी वे में इसको मैं सिंक कर दूंगी और इसी तरीके से जो है सेकंड रीडिंग लेंगे। फिर से वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। इसको जो है हाइपो को मैं जीरो तो दोबारा से फिल कर लेती हूँ ताकि जो मेरी सेकंड रीडिंग आए इनिशियल वो भी जीरो से ही आए। डिफरेंस कोई नहीं है, बस थोड़ा सा जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाती है कैलकुलेशन करनी। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया जीरो से, इसको हल्का सा बाहर निकाल लेती हूँ। अब फिर से इसके बाद क्या करना है, हाइपो के बाद हमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है, पेपर टाउट करना है 10 ml में। ये 10 ml हो गया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब इसमें क्या ऐड करना था, Na2CO3 पिंच ऐड करेंगे सोडियम कार्बोनेट की। टर्बिडिटी आएगी इसको शेक करेंगे, फिर इसमें जो है हम डाइल्यूट एसिटिक एसिड ऐड करेंगे। सॉल्यूशन क्लियर हो गया मेरा। अब हम इसमें जो है KI सॉल्यूशन ऐड करेंगे हाफ टेस्ट ट्यूब। देन 50 ml डिस्टिल्ड वाटर।
अब इसको टाइट्रेट करना स्टार्ट करेंगे। पहले लाइट येलो कलर चेंज होगा, उसके बाद जो है वो स्टार्च के एडिशन करेंगे। कलर चेंज हो गया लाइट येलो में। अब इसमें जो है टू ड्रॉप स्टार सॉल्यूशन की ऐड कर देंगे। अब इसको टाइट्रेट करना स्टार्ट करेंगे ब्लू कलर सॉल्यूशन को। इसको अच्छे से शेप करेंगे, अभी थोड़ा सा भी ब्लू कलर नजर आ रहा है इसमें, अभी थोड़ी सी एडिशन होगी हाइपो की, जस्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप विद प्रॉपर शेकिंग। ये देखो अब जो है ये कलर चेंज हो चुका है, इसे अच्छे से शेक भी कर रही हूँ तब भी सेम कलर है, कलर चेंज नहीं हो रहा, कोई भी ब्लू कलर जो है वो अपीयर नहीं हो रहा, इसमें कम्प्लीटली कलरलेस हो गया सॉल्यूशन। दैट मीन्स इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया आपकी टाइट्रेशन का। अब हम जो है इसकी रेटिंग नोट करेंगे। जीरो से ही हमने स्टार्ट किया था, इनिशियल रेटिंग तो फिर से जीरो होगी। अब ये गया है 7, 8.1, 2, 3, 4, 8.4। ये आपकी 8.4 रीडिंग आ रही है, इसको नोट कर लेंगे। फर्स्ट रीडिंग जो आ रही थी वो 0 से लेके 8.2 तक, मीन्स हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग 8.2, फर्स्ट रीडिंग में वॉल्यूम आ गया। सेकंड में 0 से स्टार्ट हुआ 8.4 तक, तो 8.4 माइनस 0 8.4 वॉल्यूम जो है उसमें यूज़ हो गया। इसी तरीके से हम थर्ड रीडिंग जो है लोगे, इसके बाद जो है हम इन तीनों का एवरेज लेके वॉल्यूम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उससे जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कैलकुलेट होगी। देन उसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे। स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं? नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट वेट, ओके। और उसके बाद जो है हम इसकी परसेंटेज प्योरिटी निकाल देंगे कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर कितने CU2 पॉजिटिव आयन जो है प्रेजेंट है, ओके। थैंक यू।